देवभूमि क्षत्रिय संगठन व स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और उनके समर्थकों को बनीखेत के पास चौड़ा डैम में पुलिस ने रोक लिया। इस बीच पुलिस और देवभूमि क्षत्रिय संगठन व स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। आगे जाने से रोकने से गुस्साए रुमित सिंह ठाकुर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। रुमित सिंह ठाकुर अपने समर्थकों सहित सलूनी जा रहे थे। बता दें कि सलूनी के भांदल क्षेत्र के मनोहर की निर्मम हत्या की गई है। मनोहर का शव नाले में बोरी में 3 जगह 8 टुकड़ों में मिला था। मामले में मुस्लिम समुदाय से संबंधित आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। युवक की हत्या के बाद सलूनी क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके चलते जिला प्रशासन ने सलूनी क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।